दोस्तों सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों महिंद्रा ई अल्फा प्लस ऑटो रिक्शा को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको कराना है इस रिक्शा को फाइनेंस पे, तो आप इसकी कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं, ईएमआई के दो प्लान क्या होंगे, ये सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्शा के कैश प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस आपको 161,173 रुपए देखने को मिल जाती है। वही ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हमने आरटीओ इंश्योरेंस और अदर चार्ज को ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 190,000 रुपए देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको हर एक स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तो बात इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में जानकारी, अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 60,000 रुपए की, तो उसकी लोन अमाउंट आपको 130,000 रुपए निकल के आती है। अगर आप कराते कंपनी या बैंक से फाइनेंस और रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और लेते हैं टाइम अगले 3 साल यानी 36 महीने इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको इसकी महीने की ईएमआई आपको 4,133 रुपए निकल के आती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे ईएमआई के पहले प्लान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया 4 साल के लिए। अगर आप कराते हैं इस रिक्शा को फाइनेंस पे, तो आपको इसकी पर मंथ की ईएमआई 3,235 रुपये निकल के आती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको महिंद्रा ई अल्फा प्लस ऑटो रिक्शा के कैश प्राइस और फाइनेंस के प्लान के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितने डाउन पेमेंट में जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।